ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक फेडरेशन का त्रिवार्षिक अधिवेशन 31 जनवरी से 1 फरवरी तक होकर इस अधिवेशन का उद्घाटन समारोह 31 जनवरी को श्री गजानन राव बुरटगा सभागार में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में 30 जनवरी को आयोजित पत्र परिषद में ऑल इंडिया आरआरबी फेडरेशन के प्रेसिडेंट राजकुमार माखीजा ने कार्यक्रम की जानकारी दी। हमारा त्रिवार्षिक अधिवेशन ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन का कल और परसों यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी 2015 को चंद्रपुर में श्री गजानन राव बुरटकर सभागृह में होने जा रहा है। ओपन सेशन शाम को 5 बजे बुरटकर सभागृह में माननीय मंत्री श्री हंसराज जी अहिर के हस्ते होगा। उसके पहले 3 बजे वन भवन नागपुर रोड से रैली निकलेगी जो बुरटकर सभागृह तक जाएगी और उसके बाद में वहाँ पर 5 बजे उद्घाटन होगा। उद्घाटन के बाद में माननीय अपने MLA श्री नाना भाऊ श्यामपुरे जी भी हाजिर रहेंगे चीफ गेस्ट के रूप में। इसके अलावा हमारे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट श्री वाई सुदर्शन और जनरल सेक्रेटरी श्री हरविंदर सिंह भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। और बेसिक पर्पज हमारा प्रोग्राम का ये है कि आने वाले दिनों में हमारे फेडरेशन को और आगे मजबूत करने के लिए और देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने हैं उसके बारे में परसों पूरा दिन हमारा बिजनेस सेशन चलेगा। उसमें देश भर से आए हुए तमाम डेलीगेट्स और ऑब्जर्वर उस पर चर्चा करेंगे और उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे और निर्णय लेंगे कि आगे हमारे फेडरेशन को मजबूत करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या क्या स्टेप उठाया जाए और उस ढंग से गवर्नमेंट से चर्चा की जाएगी। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं, इसके भट्टाचार्य महामंत्री ऑल इंडिया आरआरबी ऑफिसर्स फेडरेशन, हमारा सारा देश में ग्रामीण बैंक का ग्राहक का संख्या 6 करोड़ के ऊपर है और ये ग्राहक जो हमारा है, ग्राहक जो गांव में रहता है, जो छोटी छोटी शहरों में रहता है, वही ग्राहक हमारा ग्राहक है और वो ग्राहक को हम लोग पूरा सेवा देते हैं। हम लोग का कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है, मुद्दा हम लोग एक ग्राहक को कैसे बढ़िया और बढ़िया सेवा दे सकते हो कि उनका बहुत सारे कमियाँ हैं देने के लिए। ग्रामीण बैंक के कर्मचारी अधिकारी संख्या बहुत घट रहा है, सारे देश में ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज रिटायर हो रहा है लेकिन उसका जगह में भर्ती नहीं हो रहा है। हम लोग का ये भी मुद्दा है, हम लोग की ये भी मांग है कि भर्ती पूरा होना चाहिए, जितना वो रिक्रूटमेंट होना चाहिए वो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और उसमें बहुत जगह से रोक लगा के रखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि भर्ती पूरा हो और ग्राहकों को बढ़िया सेवा मिले।